वेलकम बैक। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट के बारे में जाना था, जहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि हमारा इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट ऑपकोड और ऑपरेंड्स के साथ मिलके बना होता है। साथ में हमने ये भी जाना था ऑपकोड्स क्या होते हैं, ऑपरेंड्स क्या होते हैं, और हमने ये भी देखा था कि हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, जहाँ पे जीरो एड्रेस फील्ड वाला इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट भी हो सकता है, वन एड्रेस फील्ड वाला भी हो सकता है, टू वाला भी हो सकता है, थ्री एड्रेस फील्ड वाला भी हो सकता है। जहाँ पे हमने ये देखा था जीरो एड्रेस फील्ड वाला स्टैक बेस सीपीयू को सिग्निफाई करता है, वन एड्रेस फील्ड वाला हमारा एक्यूमुलेटर जो कि एसी एक्यूमुलेटर वाले सीपीयू को सिग्निफाई करता है, टू और थ्री एड्रेस फील्ड वाले इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट हमारे रजिस्टर वाले सीपीयू को एड्रेस करते हैं या फिर सिग्निफाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग उसी को आगे बढ़ा रहे हैं, इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। तो क्या लिखा है अभी हमने, CPU organization is classified into three types based on the availability of ALU operands. So, ALU operand के availability के ऊपर अपने CPU के organization को तीन भाग में बांट देते हैं। एक होता है stack based CPU organization, दूसरा होता है accumulator based CPU organization और तीसरा होता है register based CPU organization। हमने जैसे कि last lecture में पढ़ा था, ये zero address field वाला होता है, ये one address field वाला होता है और ये टू एड्रेस फील्ड एंड थ्री एड्रेस फील्ड वाला होता है। ठीक है, अब हम लोग किसके ऊपर डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम लोग स्टैक के ऊपर डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो स्टैक के ऊपर हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, जिसका टॉपिक होगा हमारा स्टैक बेस सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन। तो नेक्स्ट टॉपिक आप लोग डाल सकते हैं स्टैक बेस्ड सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन। हम लोग स्टैक बेस्ड सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं। इन दिस ऑर्गेनाइजेशन एएलयू ऑपरेशन परफॉर्म आर ऑलवेज डन ऑन दिस स्टैक डेटा। तो जैसे हम लोगों ने अभी देखा कि हमारे पास तीन ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, स्टैक बेस्ड सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन, एक्यूमुलेटर बेस्ड सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन और रजिस्टर बेस्ड सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन। उसमें से हमने बोला कि हम लोग सबसे पहले स्टैक बेस्ड सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर चर्चा करेंगे और उसी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टैक बेस्ड सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन में जैसे ही नाम हमें दिख रहा है, नाम के अकॉर्डिंग तो ये हमेशा स्टैक के ऊपर ही बात करेगा और वो ही इसका काम भी है, जो नाम है वही इसका काम है। इन दिस सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन ALU ऑपरेशन परफॉर्म आर ऑलवेज डन ऑन द स्टैक डेटा। तो जब भी हम कुछ भी ALU ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे वो स्टैक के डेटा के ऊपर ही परफॉर्म करेंगे। अब ALU ऑपरेशंस क्या होते हैं, जितने भी हमारे पास अर्थमैटिक प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन कितने भी हमारे पास ऑपरेशन हो, सब हम लोग स्टैक के डेटा के ऊपर ही अप्लाई करेंगे, परफॉर्म करेंगे। और कोई भी लॉजिकल ऑपरेशन हो, एंड और ग्रेटर देन लेस देन इक्वल्स टू, कोई भी लॉजिकल वाले ऑपरेशन हो जाए वो भी हम स्टैक के डेटा के ऊपर ही परफॉर्म करेंगे। सो बोथ द ऑपरेंड्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द स्टैक, इसलिए दोनों ऑपरेंड जो भी होंगे वो हमारे स्टैक के अंदर ही होंगे। स्टैक अगर किसी को नहीं पता हो तो स्टैक कुछ ऐसी दिखती है, मतलब ये फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, बता रहा हूं ऐसे विजुअलाइजेशन अगर हमें करनी हो तो हम ऐसे कर सकते हैं स्टैक का। तो ये और ये, जब तक इन दोनों पे ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा तब तक इस पे ऑपरेशन कभी परफॉर्म नहीं हो सकता। ये सब हम सी लैंग्वेज में पढ़ेंगे क्यों ऐसा होता है क्यों ऐसा नहीं होता है। अभी के लिए कुछ ऐसे हमारे पास डेटा रहेगा, ऑपरेंड्स अवेलेबल रहेंगे, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म होना होगा 30 और 20 पे परफॉर्म होगा, सबसे पहले इन दोनों को निकाला जाएगा अगर दो ऑपरेंड्स की जरूरत है, अगर एक ही ऑपरेंड की जरूरत है तो एक ही पे काम किया जाएगा। ठीक है, इसको मिटा दिए, आगे बढ़ते हैं। अब क्या लिखा है, सो बोथ द ऑपरेंड्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द स्टैक, आफ्टर प्रोसेसिंग द रिजल्ट इज ऑल्सो स्टोर्ड इन द स्टैक। तो हमने जब दोनों ऑपरेंड्स के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर लिए, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा, जैसे हमारे वहां पे 30 और 20 था, अगर इस पे प्लस करना है तो 50 होगा और ये 50 वापस से स्टैक में ही जाएगा ऐसे। ठीक है, और उसके बाद क्या लिखा है, स्टैक क्या होता है, सबसे पहली बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर हम स्टैक बेस्ड सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो हमें पता होना चाहिए कि स्टैक आखिर होता क्या है।
तो इट इज अ पार्ट ऑफ मेमोरी विच इज इनिशियलाइज विद स्टैक पॉइंटर रजिस्टर। तो ये वो पार्ट है मेमोरी का जहां जिसको हमने स्टैक पॉइंटर रजिस्टर से इनिशियलाइज कर रखा और हम हमेशा उसको वहीं पे एक्सेस कर सकते हैं। आप पूछोगे सर ऐसे क्यों, हमारी मेमोरी जो होती है उसमें बहुत सारे पार्ट्स रहते हैं, ठीक है, उसमें से एक पार्ट होता है हमारा स्टैक, ठीक है। मेमोरी में एक पार्ट हमारा स्टैक का भी होता है और बहुत सारे पार्ट होते हैं जो हम आगे जब मेमोरी डिस्कस करेंगे तब हम उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। इन द स्टैक ऑल द इंसर्शन एंड डिलीशन ऑपरेशन टेक प्लेस एट वन एंड कॉल्ड टॉप ऑफ द स्टैक। तो जो भी इंसर्शन और डिलीशन ऑपरेशन होंगे वो एक ही जगह पे परफॉर्म होते हैं, कहाँ पे, टॉप ऑफ द स्टैक, या फिर उसको TOS भी बोल सकते हैं, और वो उसकी डिफॉल्ट लोकेशन होती है कि इसी एंड। तभी तो मैंने बोला कि ये अब मेमोरी ऐसे तो ही ना होती आप ऐसे डालोगे, ये हम बस विजुलाइजेशन कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। तो कुछ भी चीज आपको इंसर्ट करनी हो वो भी यहाँ से होगी, डिलीट भी आपका यहीं से होगा, जो कुछ करना है आपको इधर से ही करना पड़ेगा और हमेशा टॉप ऑफ द स्टैक पे ही आप इंसर्ट करते हो और डिलीट करते हो, ठीक है। एक इसका डायग्राम देख लेते हैं। तो ये हमारा डायग्राम है, डायग्राम में ये हमारी स्टैक है, ये ALU है, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, ये हमारा एक्यूमुलेटर है और ये हमारा टेम्पररी रजिस्टर है। तो हमने सबसे पहले यही पढ़ा था कि अवेलेबिलिटी ऑफ ALU ऑपरेंट, वी हैव क्लासिफाइड अवर CPU इनटू 3 टाइप्स। सबसे पहला था स्टैक बेस, दूसरा था रजिस्टर एक्यूमुलेटर, तीसरा था रजिस्टर। तो इसमें हमारे पास एक्यूमुलेटर है, ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ एक्यूमुलेटर के बेसिस पे हमने इसको किया है। लेकिन यहाँ पे हम लोग मेमोरी का यूज कर रहे हैं जिसमें हमें एड्रेस फील्ड की जरूरत नहीं है क्योंकि यही हमारी डिफॉल्ट लोकेशन है और जैसे हम इसको उठाएंगे कोई भी चीज होगी वो एक्यूमुलेटर में जाके बैठ जाएगी और हम कोई भी अपना ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। ये था हमारा स्टैक बेस्ड CPU ऑर्गेनाइजेशन। इसके ऊपर एक दो न्यूमेरिकल है जो हम न्यूमेरिकल लेक्चर में, जो इंडिपेंडेंट लेक्चर होता है उसमें डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए, अभी के लिए स्टैक बेस्ड CPU ऑर्गेनाइजेशन पर ही हम रुकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे हमारा एक्यूमुलेटर बेस्ड CPU ऑर्गेनाइजेशन। थैंक यू। रिवाइज करते रहिए आप अपने लेक्चर्स को, जितना भी अभी तक हमने जो जो पढ़ा है स्ट्रक्चर एंड कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर, उसके बाद हमने देखा था इंस्ट्रक्शन साइकिल के बारे में, फिर हमने मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा कि मेमोरी क्या होती है, कैसे हम उसको लिटिल इंडियन, बिग इंडियन, बाइट एड्रेसेबल, वर्ड एड्रेसेबल के ऊपर हमने बात करी थी। उसके बाद हमने ये भी देखा था कि हम मल्टीपल सेल एक्सेस भी कर सकते हैं और हमने ये भी जाना था कि हमारा जो प्रोसेसर है वो वर्ड फॉर्मेट के ऊपर हमेशा काम करता है और हमारी जो मेमोरी है वो बाइट फॉर्मेट के ऊपर या फिर 8-bit फॉर्मेट के ऊपर काम करती है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट के बारे में जाना और हमने दो न्यूमेरिकल भी किए थे, एक में जहां हमने वर्ड से बाइट एड्रेसेबल में कन्वर्जन देखा था और दूसरे में हमने बाइट से वर्ड एड्रेसेबल में कन्वर्जन देखा था। उसके बाद हम लोग इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट के ऊपर आए। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में हमने ऑपरेंड्स और ऑपकोड्स की बात करी, जहां पे हमने देखा कि ऑपकोड हमें बताते हैं हम कितने ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, वहीं हमें ऑपरेंड्स ये बताते हैं हमारा डेटा कहाँ है, क्या डेटा हमारा इंस्ट्रक्शन में ही है या फिर हमारा डेटा मेमोरी में पड़ा है, जो कि हम आगे एड्रेसिंग मोड्स में भी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब उसी के एक्सटेंशन में 0 address instruction, 1 address instruction, 2 address instruction और 3 address instruction के ऊपर डिस्कशन करते हुए हम लोग स्टैक बेस्ड CPU ऑर्गेनाइजेशन पे पहुंचे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्यूमुलेटर बेस्ड CPU ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे।